मंडलायुक्त जयंत मालिकर के तबादले के बाद शुक्रवार को उनके विदाई समारोह का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, अपर आयुक्त रतिभान सहित कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बुके और पुष्प गुच्छ देकर भावभीनी विदाई दी और मंडलायुक्त के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में मंडलायुक्त ने कहा कि कोविड महामारी में लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और अधिकारी और कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जनपद में आर्थिक संभावनाएं काफी प्रबल है, जनपद का काफी विकास हुआ है, एम्स, फर्टिलाइजर, कुशीनगर का एयरपोर्ट सहित यहां कनेक्टिविटी बढ़ी है और विकास के पथ पर जनपद काफी अग्रसर रहा है। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने मंडल में हुए कोरोना मरीजों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। सुशासन महोदय, न्यायिक डेडी मंत्री जी और भी हमारे अधिवक्तागण, आयुक्त कार्यालय परिवार के साथी, मंडल की सेवा करते रहे, आपका फिर हमारे मध्य आएंगे और हम लोगों को जहाँ भी रहेंगे वहाँ से अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। जय जी जनता से अनुरोध करूँगा। आयुक्त महोदय सर उपस्थित है, कल से हम लोग आयुक्त महोदय के साथ कार्य करते हुए बड़ा सुखद अनुभव रहा। फटाफट से लेके सारी चीजें हमने खाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज क्या होती है, किसी भी हमारे उच्च अधिकारी की ऊर्जा से कभी कभी उसके आवेग से हम लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम लोगों ने गति उसी गति के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। और खासकर जैसे का अभी इसी कमरे इसी हॉल की जो है एक अगर पहचान जो उनके नेचर की उनके चॉइस की जो खासकर कुछ विकास से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका नेचर पसंद किस टाइप की चीज़ है, आप ये ऐसा ये यूनिक तरीके से सोचा जाता है। और जिनका केवल हम सभागार की बात नहीं करते, गोरखपुर में भी अगर आज की तारीख में गोरखपुर में 800 दिनों में बहुत कुछ चेंज हुआ और चेंज और जो खासकर जितने भी हम सब लोग एक साथ जो है इस चीज को महसूस करेंगे कि इस पीरियड में बहुत कुछ गोरखपुर में विकास भी हुआ, इवन मंडल में भी हुआ। खासकर अगर आज मैं 18 मंडल है प्रदेश में, 18 मंडल के बहुत सारे हमारे एडिशनल कमिश्नर और साथी लोगों से भी बातचीत होती थी, तो वास्तव में कोविड के लिए यह जितनी गहन समीक्षा यहाँ पे होती थी कहीं नहीं होती थी। यहाँ अगर मैं तुलना करूँ एक साल में अगर कोविड की कम से कम 365 मीटिंगों की समीक्षा हुई होंगी, परंतु और दूसरे मंडलों में ये नहीं था, वहां पे उससे भी 25% कहीं। तो जस्ट यहाँ जो है ये सर की जो है इतनी जो है इच्छा थी और सारी चीजों की बहुत बारीकियों से और सारी चीज का उनको डेली अपडेट करना और सारी चीजें करना, तो जो है ये हर एक बस की बात नहीं है। हम लोग ने जो है उनके डायरेक्शन में बहुत कुछ किया, खासकर जब कभी कह देते थे कि अभी जो है जस्ट अचानक बोला कि 4 बजे अभी मीटिंग की प्लानिंग करनी है, अब करने के लिए आप सब तो कह देते थे, परंतु उसके लिए बहुत सारे अधिकारियों को सूचित करना, जानकारी देना और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कभी कभी उसमें भी हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, परंतु हम लगभग हर प्रकार की जितनी भी ये मीटिंगें हुई या हमारी जून के माध्यम से जितनी भी मीटिंग हुई सही समय पर हम सब लोगों ने अपने मैनेज करने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव है जब आपकी एनर्जी जो ऊर्जा और आपकी कभी कभी जो है जिसे कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि डांट कपट का भी इसी को ही हम कहा जाता है, परंतु इससे हम लोगों ने बेहतर काम भी किया। मूर्ति देती है सर।
आप लोग भी आ गए। अरे ये छोटा कहाँ है? मंडल सक्षम है, आत्मनिर्भर है उस हर वे को फेस करने के लिए। यहाँ की टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग जो की गई है, मुझे लगभग 2 माह से पता था कि मुझे 4 जून 2021 को अपना 4 जून करना है। और इसलिए मेरी अप्रोच विगत 2-2.5 महीने में, स्पेशली मेरे जो पर्सनल स्टाफ हैं और अपराधगण ने देखी होगी कि थर्ड वेव पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर और ब्लैक फंगस पर ज़्यादा जोर और पोस्ट कोविड जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि जो भी नए कमिश्नर आएंगे उनको 2-3 महीना लगता है, और ऐसा ना हो कि वो जब ज्वाइन करें और उस 2-3 महीने के बीच में ही कुछ ऐसा हो जाए और जिससे कि मंडल की जनमानस को दिक्कत हो। और इसलिए हमने BRD को, एम्स को, RMRC को, ICMR को, इन सब को जोड़ के मॉडल विकसित करने का प्रयास किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंसर्जेंसी को डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर का चैलेंज और पेंडेमिक का चैलेंज बहुत अलग होता है। मैंने जब ज्वाइन किया तो उस समय इलेक्शन कर रहा था, आपको पता है गोरखपुर की अपनी एक सेंसिटिविटी है, और चुनाव आयोग के हिसाब से, निर्वाचन आयोग के हिसाब से गोरखपुर और बनारस की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही संवेदनशील थी। तो एज ए कमिश्नर बीओ का रोल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती थी। सैनिक आपके साथ हम लोगों ने काफ़ी संक्रमण किया, वो खत्म होते ही फिर आपकी CA NRC राम जन्मभूमि पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ये सारी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित थी वो शुरू हुई। वो ख़त्म होते ही हमें लगता है 1-2 महीना हम लोग को मिला ही होगा, और कोविड की फर्स्ट वेव में मार्च 2020 से शुरू हो और जो कि अब जाके सेकेंड वेव के रूप में सबसाइड हो। तो मेरे पीरियड जो भी 26 माह का पीरियड था उसमें विकास का फोकस करना अपने आप में एक चैलेंज। ऐसा भी समय हम लोगों ने मई में देखा है, अप्रैल मई में देखा है, मेरे पास मेरा सारा स्टाफ संतुलित था, हमारे प्रशासन स्टाफ संतुलित थे, मैं रतिवान सरकार हूँ, हम 4 लोग जिसको रह कर रहे बहुत चैलेंजिंग हम लोगों ने समय देखा है। जब संजय की डेथ हुई है उस समय भी मेरे पूरा स्टाफ संतुलित था, और मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मुझे भी डर लगता है, लेकिन जब संकल्प बहुत जरा है, यदि मैं कमिश्नर होकर यदि बैठने लगूंगा तो आम जनमानस का क्या होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव में हम लोगों ने प्रयास किया कि हम BRD जरूर जाए, एम्स जरूर जाए, जैसे कि लोगों को लगे कि यदि हम लेवल 3 में कमिश्नर को जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करने आ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, और जब मैं उनसे उनको सुन रहा था वो इतनी नफीलेस दी थी कि मुझे लगा था बहुत चैलेंजिंग, बहुत लंबी उन्होंने ये भी कार्य करना है। और ये मुझे लगा कि, और ये हर पल मैंने सोचा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उनकी जो प्रेरणा है उसको हमें इस पर सही साबित होना है। इस पूरे अंचल के लिए गोरखपुर सिर्फ एक जनपद नहीं है, सिर्फ एक मंडल नहीं है, इस पूरे पूर्वांचल में एक गोरखपुर एक सभ्यता है, गोरखपुर एक इतिहास है, और उस इतिहास को ये ऐतिहासिक मौका है जब यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और हम इन सिर्फ मंडल के पौने लोगों को बात नहीं कर रहा, जब हम BRD विकसित करते हैं, एम्स विकसित करते हैं, ICMR विकसित करते हैं, एयरपोर्ट विकसित करते हैं, रेलवे स्टेशन विकसित करते हैं, सी प्लेन विकसित करते हैं, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं, उसे ये 2.25 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, कम से कम 10-12-10 करोड़ लोग, चाहे वो नेपाल के 2-3 जनपद हों, बिहार राज्य के नॉर्थ के 2-3 जनपद हों, और यहाँ की बस्ती परिषदी और यहाँ के 7 जनपद, इन सब को लेके हमें कार्य करना होता है, लक्ष्य करना होता है, उस जनमानस को टारगेट करना होता है जो बहुत समय से विकास से पूरा वंचित रहा, दूर रहा, सड़कें नहीं बन पाई, एयरपोर्ट पुनः विकसित नहीं हो पाया, बॉन्ड्स में प्रॉब्लम है, खेती में प्रॉब्लम है, सिंचाई के साथ में उतने विकसित नहीं हो,
और ये मुझे लगता है ऐतिहासिक मौका है जनपद के पास, मंडल के पास और गोरखपुर विकास के पास। हम 21वीं शताब्दी में जब आगे बढ़ चुके हैं तो हम एक अपनी छाप छोड़ें, विकास पर हो, लॉ एंड ऑर्डर पर हो और इनोवेशन पर, स्वच्छता पर, और यही प्रयास हमने प्रदेश में अपनी टीम के साथ करना शुरू किया। इस चेयर का लाभ ये है कि जो भी होता है उसमें मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसका क्रेडिट मिलता है, तो यकीन मानिए ये जो पूरी टीम बैठी हुई है इसके बिना एक कदम चलना संभव नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 2:30 बजे दोपहर में सभी साहब को कहता हूँ 4 बजे मीटिंग करती हूँ, उसने लखनऊ से भी जोड़ लीजिए, यहाँ से भी जोड़ लीजिए, यहाँ से भी जोड़ लीजिए, और मुझे पता है। लेकिन बॉस वो होता है जो अपने अंदर काम करने वालों की ऊर्जा को, प्रतिभा को और पोटेंशियल को समझे और उनको पुश करे। ह्यूमन नेचर जो होता है उसमें बहुत संभावनाएं होती हैं। स्टडीज बताती हैं कि जिनको नोबल प्राइज मिलता है वो भी अपनी मानवीय ऊर्जा का 45-50% यूज करते हैं। 45-50% यूज करने पर उन्हें नोबल प्राइज मिलता है। इतनी संभावनाएं होती है और इसीलिए मुझे पुश करना ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं पुश नहीं करूंगा। इस समय इस मंडल के जनमानस की जो अपेक्षाएं वो स्वाभाविक और उन अपेक्षाओं पर उतरना, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के संकल्प को अक्षरशा जमीन पर उतारना, ये इस पूरी टीम का कर्तव्य है।